हरे कृष्णा। आज का जो वीडियो होने वाला है वो है जटामासी के ऊपर। जटामासी एक आयुर्वेदिक हर्ब है, यानी कि औषधि है। इस औषधि का जो यूज़ किया जाता है वो मानस संबंधित रोगों में किया जाता है, यानी कि दिमाग से संबंधित बीमारियों में। एंजाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, किसी भी तरीके का तनाव, स्ट्रेस, इन चीज़ों में जटामासी का यूज़ किया जा सकता है। किन लोगों को लेना है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं वो वीडियो में आगे समझते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाव प्रकाश निघंटू में जटामासी के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक दिया गया है, जो कि इस प्रकार है। जटामासी भूत जटा जटिला च तपस्विनी मानसी तिक्ता कषाया च मेध्या कांति बलप्रदा। इस श्लोक का जो अर्थ है मैं आपको आगे समझाती हूँ किस किस तरीके से ये कार्य करता है। आयुर्वेद में किसी भी औषधि के बारे में उसके दोषों के बारे में बताया जाता है, यानी कि यह औषधि किन दोषों पर कार्य करेगी, कौन लोग इसका सेवन कर सकते हैं। जटामासी के बारे में कहा जाता है वात पित्त कफ तीनों दोषों में इसका शमन किया जाता है, यानी तीनों दोषों पर यह कार्य करेगी, तीनों प्रकृति वाले लोग इसे ले सकते हैं, और क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं चलिए देखते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है जटामासी, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखती है। इस औषधि में जटा मानसोन नाम का एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसके गुणों को इतना ज़्यादा प्रभावित यानी कि बढ़ाकर रखता है। अब जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, जटामासी का जो यूज़ किया जाता है वो मानस संबंधित रोगों में किया जाता है। तो ये जो औषधि है ये बल्य प्रदान करती है आपके शरीर को, मैध्य औषधि है और बल्य प्रदान करती है, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की थकान, सुस्ती, किसी भी तरीके का आपके शरीर में पोषण नहीं हो रहा है, धातुओं की कमी है, तो ये वहाँ पर भी अच्छे से कार्य करती है। जटामासी जो है स्नायु संबंधित रोगों में भी इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये मानस संबंधित रोगों में कार्य करेगी, जो कि हो सकते हैं आपको बहुत ज्यादा दिमाग से थकावट लगती हो, बहुत ज्यादा एंजाइटी, नींद ना आने की समस्या, इस तरीके के सभी रोगों में बहुत ज्यादा डिप्रेशन, गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन रहना, दिमाग में अशांति रहना, इस तरीके के सभी रोगों में जटामासी का यूज किया जाता है। आइए देखते हैं जटामासी को किन किन औषधियों के साथ में मिलाकर किस तरीके से यूज़ करें, ताकि इसका सही यूज़ होने पर हमें इसका पूरी तरीके से जो रिज़ल्ट है वो मिल सके। जब भी शारीरिक दुर्बलता की बात की जाती है वहाँ पर जटामासी का यूज़ किया जाता है। जटामासी को अश्वगंधा के साथ में मिलाकर 50-50 ग्राम का जो पाउडर होता है, दोनों को मिलाने के बाद में सुबह शाम नाश्ते के और डिनर के बाद में इसका सेवन किया जा सकता है गुनगुने पानी से, लेकिन एक चिकित्सक की परामर्श के द्वारा ही। जब अनिद्रा की शिकायत देखी जाती है, बहुत ज़्यादा लेट तक आप जागते हैं, आपको नींद नहीं आती है, इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं वहाँ पर इसका जो यूज़ है सर्पगंधा के साथ में बताया गया है। सेम क्वांटिटी सर्पगंधा 50 ग्राम, सेम क्वांटिटी आप यहाँ पर जटामासी ले सकते हैं। दोनों का यूज़ किया जाता है आफ्टर डिनर और ब्रेकफास्ट टाइम के बाद में। आप जानते हैं जटामासी जो होती है आपके नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। यदि आपको मिर्गी के दौरे आते हैं वहाँ पर भी जटामासी जो है वो बहुत ही अच्छा यूज़ करती है। अब इसे जब मिर्गी के दौरे नर्वस सिस्टम के लिए देखा जाता है तो इसका जो यूज़ किया जाता है वचा चूर्ण के साथ में, 50 ग्राम जटामासी 50 ग्राम वचा चूर्ण के साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बनाया जाता है और फिर से सुबह शाम दिया जाता है। लेकिन मैं आप सभी को फिर से एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने जो पास के जो चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, उनसे जाके कंसल्ट करिए, आपकी वो नाड़ी देखेंगे, आपके सिस्टम में जो भी धातुएं हैं, जहाँ पर आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही आप इन चीज़ों का सेवन करें। अब जब हमें ब्रेन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि दिमाग को शक्तिशाली करने की ज़रूरत होती है, तो जटामासी का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। जब आप चाहते हैं आपके बच्चे का दिमाग तेज़ हो, या आप खुद कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर दिमाग की 24 घंटे आपको ज़रूरत पड़ती है, रनिंग रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ चलता है, या मैध्य शक्ति जो होती है आपको बढ़ानी है, पढ़ने में दिमाग तेज करना है, इस तरीके की जब रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पर जटामासी को ब्राह्मी के साथ में कंबाइन करके दिया जाता है। ये वीडियो जो है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन होने वाला है, ताकि आप अवेयर रहें कि हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं, हम एलोपैथी की हमें ज़रूरत नहीं है।
अब मैंने आपको जो कॉम्बिनेशंस बताए थे वो चिकित्सक की परामर्श में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो इन मेडिसिंस को सीखने के बाद में हम खुद की लाइफ में प्रैक्टिकल वे में भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे हैं, ये आप एक्सटर्नल यूज़ में ला सकते हैं। जब आपको सिर में दर्द होता है तो आप जटामासी ले सकते हैं, उसे घी में मिलाकर सर पर लेप कर सकते हैं। ये माइग्रेन में भी बहुत अच्छा कार्य करेगा, आपके सिर दर्द में किसी भी तरीके का सिर दर्द है वहाँ पर आपको काफ़ी रिलैक्स देगा। तो ये एक्सटर्नल यूज़ आप कर सकते हैं। आपके बालों की समस्या है, जैसे कि आप देखते हैं जुएं हो जाती है बालों में, या फिर आप देखते हैं बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, रूसी है, ये बालों को काले करने वाली इशू भी ठीक करता है कुछ हद तक। तो यहाँ पर इस तरीके से बालों की समस्याओं के लिए भी जटामासी का यूज़ किया जाता है। आपके स्केल्प पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है, गर्मी आ रही है, तो भी आप इसका क्या करेंगे, आप इसे तेल के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको तेल लेना है, वहाँ पर आपको जटामासी की जो चटनी है, आप क्या करेंगे, जटामासी लेकर आएंगे, उसकी चटनी बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे और उसको तेल में डाल के उसका ऑयल घर पे जो प्रिपेयर होता है वो आप करके अपने बालों में लगाइए। ये आपके बालों को काला बनाएगा, घना बनाएगा। जो आप बाहर से ऑयल्स खरीद के लाते हैं जो प्राकृतिक नहीं है, वहाँ पर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिंस को सीखते हैं तो ये हमारे डेली यूजेस में भी काम आता है। लेकिन जब हम इंटरनल यूज़ की बात करते हैं तो थोड़े अमाउंट में इसका सेवन आपको नुकसान नहीं देता है किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को, लेकिन यदि आप इसका एक्सेस में सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, वहाँ पर आपको वैद्य की या चिकित्सक की परामर्श लेनी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि ये बीपी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लो बीपी में भी जटामासी का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। लो बीपी में जो जटामासी होती है उसे अश्वगंधा के साथ में मिलाकर दिया जाता है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा कार्य करता है। और यहाँ पर जब हाई बीपी की बात होती है, उच्च रक्तचाप की और हृदय से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, हृदय संबंधित रोग होते हैं, वहाँ पर भी जटामासी का यूज़ देखा जाता है। वहाँ पर इसे पुनर्नवा हो गया और आपका सर्पगंधा हो गया, इन जो चूर्ण है इनके साथ में कंबाइन करके दिया जाता है। आजकल आपने बहुत सारे कॉलेजन्स के बारे में सुना होगा, कॉलेजन ये खा लो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी हेयर अच्छे हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके शरीर में कार्य करती है। जब आप बाहर से मार्केट के कॉलेजन और ये सब सप्लीमेंट्स लेते हैं, वहाँ पर देखिएगा जटामासी, ब्राह्मी, अनार, आंवला, इस तरीके की मेडिसिंस जो है हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स वहाँ पर डाली जाती हैं। तो ये एक प्राकृतिक तरीके की मेडिसिन है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। कोलेजन इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपने चिकित्सक की देखरेख में आप इसका यूज़ करिए और आपको ये उस तरीके का भी फ़ायदा देगी। हृदय की धड़कन अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी कभी हार्ट बीट तेज़ होना जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर भी जटामासी का बहुत अच्छा यूज़ देखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। और सबसे बड़ी बात, जटामासी का बहुत अच्छा यूज़ किस में, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और डॉक्टर्स आपको दवाइयों पे दवाई रिकमेंड कर रहे हैं, तो अपने आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं, वैद्य जो हैं आपके नज़दीकी, उनके पास जाइए, इसका सेवन उनके परामर्श में करिए, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी आपकी काफ़ी मदद करेगी। तो आपने सभी ने देखा कितनी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस हैं जिनको अगर हम लोग आज की डेट में स्टडी करते हैं, नॉलेज रखते हैं, तो काफ़ी सारी मेडिसिंस का जो हमें एक तरीके से एलोपैथी में दी जाती है हम छोड़ सकते हैं और प्राकृतिक तरीके से हमारा जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के माध्यम से, हमारे जो 5000 साल पुराना आयुर्वेद है उसके माध्यम से हम कर सकते हैं। और ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है, बहुत कम कीमत में आपको अवेलेबल होती है, बस नॉलेज की कमी है। तो नॉलेज आप बढ़ाते जाइए अपनी, मेरे वीडियोज़ देखते देखते, और इन मेडिसिंस के बारे में जानिए और अपना इलाज जो है आयुर्वेद की शरण में आकर करवाइए। और आप यहाँ पर परमानेंट इलाज की तरफ जाते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का शॉर्ट टर्म जो पीरियड वाला इलाज होता है, किसी भी रोग को दबाया नहीं जाता है, अंदर से जड़ से ठीक किया जाता है। धन्यवाद।